धन्यवाद मेरे भाई प्रवीण जी, अध्यक्ष भरतिया जी, सभी सम्मान्य मंच पर विराजमान महानुभाव, देश के अलग अलग प्रांत से, राज्य से आए हुए मेरे व्यापारी, उद्योग जगत से जुड़े हुए साथीगण, भाइयों और बहनों, मीडिया के मेरे मित्रों, और मैं समझता हूं इस देश की अर्थव्यवस्था के पूरी तरीके से, इस अर्थव्यवस्था को सुयोजित रूप से अच्छे तरीके से चलाने वाले, ईमानदारी से चलाने वाले मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों, जैसे प्रवीण जी ने कहा, जीएसटी हमारा दुश्मन नहीं है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी बार बार मुझे यही बताते हैं कि व्यापारी, उद्यमी, उद्योजक हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन नहीं है। और भारत का व्यापारी, भारत का उद्योजक मूलतः ईमानदार है, मूलतः चाहता है कि व्यवस्था के साथ जुड़े, व्यवस्था के अंदर काम करे। शायद दशकों से, वर्षों से जो आईवी प्रणाली थी, उसमें मजबूर होके शायद कुछ गलत काम कभी किसी को करना पड़ गया हो, लेकिन हमारे खून में ईमानदारी है, हमारी मूलतः इच्छा है कि ईमानदार व्यवस्था से काम करे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यही बात मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अरुण जेटली जी बार बार समझाते हैं, सिखाते हैं कि जो भी फैसले ले, जो भी प्रणाली बने, वो सरल हो, समझने में आसान हो, कार्यान्वित करने में लोगों को सहूलियत हो, इसकी दिशा में हमें देश को लेके जाना है। अफसरशाही से मुक्त करना है करदाता को, कर देने वाले को अफसरशाही से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री जी ने तो इसको गुड एंड सिंपल टैक्स का दायरा दिया, और उनकी दिली इच्छा है कि पूरा व्यापार करने का जो ढंग है देश में, वो एकदम सरल हो जाए, लोगों को सहूलियत मिले अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, लोगों को सहूलियत मिले कि व्यवस्था ऐसी हो कि जो कंपटीशन होती है हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में, वो इस बात पे ना हो कंपटीशन के एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा टैक्स की चोरी करके अपना सामान सस्ता कर सके, लेकिन सामान्य दरों पे सबको टैक्स हो, जिससे कंपटीशन हो गुणवत्ता पे, कंपटीशन हो हमारे सर्विस स्टैंडर्ड पे, कितनी अच्छी हम कस्टमर को, उपभोक्ता को सर्विस देते हैं, हमारा जो सामान है वो दूसरों के सामान से ज्यादा अच्छा है कि नहीं, इस पे होनी चाहिए सही माने पे कंपटीशन। और एक प्रकार से पूरे देश में एक टैक्स हो, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे पूरे देश में इनकम टैक्स एक है, कोई हर एक राज्य का अलग अलग टैक्स नहीं है, ऐसा एक टैक्स हो, ये डिमांड मैं समझता हूं आप सभी की वर्षों वर्षों से चले आ रही थी, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और अरुण जेटली जी में ये साहस था कि इतना निर्णायक फैसला ले सकें और इसको कार्यान्वित कर सकें। और मैं समझता हूं वास्तव में ताली तो मोदी जी को और अरुण जेटली जी को सुननी चाहिए, जिन्होंने 2014 में कमांड संभालते ही, और मुझे अभी तक मेरे आंख के सामने याद है, 2014 के जून महीने में पहली बैठक हुई थी जीएसटी की सरकार के आने के बाद, जून 2014 में। कई बार ये विषय उठता है कि पहली बात ये जीएसटी की शुरू हुई थी 2002-03 में, जब शायद केलकर जी की एक कमिटी ने इस बात का जिक्र किया था कि पूरे देश में एक टैक्स होना चाहिए। उसके बाद 2006 में या 6-7 में जीएसटी का कानून पहली बार देश के समक्ष रखा गया। उसके बाद 6-7 वर्षों तक चर्चा चलती रही, टैक्स आना चाहिए, लगना चाहिए, एक टैक्स होना चाहिए,
लेकिन आम सहमति देश में हो नहीं पाई. अलग अलग कारण थे, प्रदेशों के बीच और केंद्र सरकार के बीच तालमेल नहीं था, विश्वसनीयता नहीं थी. और मैं मानता हूं सबसे बड़ा अगर कोई फर्क हुआ है 2014 के पहले और 2014 के बाद, वो है कि आज पूरा देश एक ऐसे नेता को देख रहा है जिसमें सब लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं. और 29 प्रदेश, अलग अलग यूनियन टेरिटरी, सब में अलग अलग राज्य सरकारें हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें हैं, कई जगह मिलजुल के कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं, उसमें विपक्ष की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, टीआरएस है तेलंगाना में, कश्मीर में अलग पार्टी थी कुछ दिनों पहले तक, जब जीएसटी लगा तब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद पीडीपी आई, पश्चिम बंगाल में माने ममता जी की तृणमूल कांग्रेस है, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके है दक्षिण में, केरल में सीपीएम की सरकार है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है, सभी अलग अलग दलों की सरकारों ने भी आखिर अगर जीएसटी को सर्वसम्मति से लागू किया और हर मीटिंग में निर्णय मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से होते हैं, बाहर थोड़े बहुत आलोचना वगैरह चलती रहती है वो तो ठीक है, राजनीति रूम के बाहर राजनीति रहे तब तक ठीक है, कमरे के अंदर एकजुट होके एक साथ मिलके जब फैसले हुए तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी विशेषता है जीएसटी की. और पहली बार देश ने पूरे विश्व को दिखाया कि कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म कैसे इस देश में पनपती है और फूलती है, और कैसे हर एक निर्णय को सभी दल मिलजुल के भी ले सकते हैं. और ये वास्तव में माननीय अरुण जेटली जी की का साहस था और उनकी पेशेंस थी कि उन्होंने इतनी मीटिंग्स में सबको साथ जोड़ते जोड़ते इस जीएसटी को सफल बनाया. कई बार होता था कि मीटिंग में किसी का मत थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन किसी में एक राज्य का भिन्न मत है, किसी में दूसरे का है, किसी में तीसरे का है, वो भिन्न मत को भी सामने रखते हुए एक देश हित और जनहित में जितने फैसले लेने की आवश्यकता समय समय पे पड़ी उसको जीएसटी काउंसिल ने लिया. इस मीटिंग में भी सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए. मैंने माननीय अरुण जेटली जी की के मार्गदर्शन का को प्राप्त किया मीटिंग के पहले, कैसे मीटिंग रहेगी, कैसे मीटिंग में निर्णय होंगे. और मैं समझता हूं मेरे लिए तो अपने आप में आश्चर्यजनक स्थिति थी कि अपनी अपनी बात रखते हुए सभी प्रदेशों ने अंत में हर निर्णय को स्वागत किया, स्वीकार किया और सर्वसम्मति से पारित किया. और यह दर्शाता है कि व्यापार सरल हो, देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आए, डिमांड बढ़े, कंप्लायंस सुधरे, ये सभी चाहते हैं. और जैसा माननीय प्रवीण जी ने कहा कि 3 करोड़ करदाता होने चाहिए, वास्तव में आप ही के लिटरेचर में लिखा है कि आज 6.5 करोड़ ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग फर्म्स के नाते, प्रोप्राइटरशिप के नाते, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLPs, अलग अलग तरीके से 6.5 करोड़ ऑर्गेनाइजेशंस व्यापार में जुड़ी हुई हैं देश भर में. हो सकता है काफी छोटी छोटी भी इसमें होंगी, तो 6.5 करोड़ में 3 करोड़ का लक्ष्य रखना कोई बहुत इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, संभव है. और जब मुझे प्रेस के मित्रों ने पूछा कि आप इतने सारे निर्णय ले रहे हो, आप क्वार्टरली रिटर्न अलाउ कर रहे हो 5 करोड़ तक, जिसके लिए किसी ने मांगा नहीं था, सबका लगभग मांग इतने तक सीमित थी कि कॉम्पोजिशन डीलर को आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने अलाउ कर दिया, मंथली टैक्स पे करो, क्वार्टरली रिटर्न करो. अब सभी 1.5 करोड़ तक सभी को हर महीने हम टैक्स देने के लिए तैयार है,
जैसे इनकम टैक्स में होता है, हर तीन महीने में टैक्स दिया जाता है, एक रिटर्न साल में होता है। आप सबकी मांग यही थी कि भाई हम मंथली टैक्स भरेंगे, जिससे टैक्स का बोझा एक साथ तीन महीने बाद नहीं आए, लेकिन रिटर्न कम से कम क्वार्टरली हो जाए 1.5 करोड़ तक। लेकिन मेरा विश्वास था, और फिर सभी माननीय वित्त मंत्री सभी राज्यों के इस बात में एक स्वर से बोले कि भाई क्यों ना सीधा 5 करोड़ तक व्यापारी को एक छूट दी जाए कि हर महीने आप टैक्स भर दो, ईमानदारी से भरो, उसमें गड़बड़ मत करना। ये डर था कि लोग पहले महीने छोटा सा भरेंगे, दूसरे महीने छोटा सा, और रिटर्न के साथ तीसरे महीने पूरे भर देंगे, और इस बात पे गाड़ी अटक सी गई थी। मैंने कहा मुझे पूरा विश्वास है मेरे व्यापारी भाई पूरा टैक्स भरेंगे हर महीने, और मैंने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा कानून की कमेटी कुछ इसका विचार करके रास्ता निकाल ले कि भाई एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई भर देंगे हर महीने, या सेल्स कम से कम फिगर भर देंगे हर महीने का, उसके साथ टैक्स जोड़ देंगे, या अगर आपको दिखता है बाद में कि किसी ने टैक्स ईमानदारी से हर महीने नहीं भरा, ब्याज ले लेना भैया हमसे, लेकिन विश्वास करके तो देखो मेरे व्यापारियों के ऊपर। और फिर सब ने स्वीकार किया कि ठीक है भाई, टैक्स हर महीने होगा, रिटर्न हर क्वार्टर में होगा, जो भी प्रावधान लाने पड़ेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए ले आओ, लेकिन सुविधा दो सबको। और मुझे खुशी है कि सब ने इस बात को स्वीकार किया, और 93% टैक्स पेयर्स 93% अब क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे, मात्र 7% को हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर रही बात रिटर्न की, मुझे याद है शुरू शुरू में बड़ी आलोचना होती थी कि तीन तीन रिटर्न, हर महीने तीन रिटर्न, अब आपको सिर्फ एक रिटर्न भरना पड़ेगा हर क्वार्टर में, और उसको भी इतना सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया है, अब उसको आईटी जो जीएसटीएन नेटवर्क है उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह बदलना पड़ेगा, उसके हिसाब से बनेगा। बेसिकली आप सेल्स डेटा दोगे और उसके अलावा आपकी कोई और परेशानी नहीं रहेगी, आपका सेल्स डेटा दूसरे का परचेज डेटा बनेगा, ऑटोमेटिक उससे क्रेडिट कैलकुलेट हो जाएगा, आपको आईटीसी क्रेडिट कितना मिलना है, और कंप्यूटर ही बता देगा कि आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। स्वाभाविक है आप चेक करोगे कि भाई जितनी मैंने परचेज की वो सामने वाले ने डाला कि नहीं सेल्स डेटा, नहीं डाला तो कुछ समय दिया जाएगा, आप फोन करके उसको बोल सकते हो भाई अपना सेल डालो, मेरी क्रेडिट नहीं मिल रही है मुझे। पर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सेल डेटा डालने तक सीमित रह जाएगी, बाकी सब क्रेडिट ऑटोमेटिक परचेज के रूप में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी दूसरे के सेल्स इनवॉइस से, और जहां B2C है वहां पे तो क्रेडिट का सवाल ही नहीं है, सेल्स डेटा दे दो, आपने कंज्यूमर को कितना बेचा उसका कोई किसी ने क्रेडिट लेना नहीं है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैंने भी रखी जीएसटी काउंसिल में, और आपको बता दूं ये मेरी डायरी है, इससे मैं वहां से उठा के लेके आया, कोई युवा युवती हो यहाँ पे तो इसको ब्लैक बुक बोलते हैं, और ब्लैक बुक के कई जैसे ब्लैक बॉक्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, वो सब रिकॉर्ड करते हैं क्या क्या हुआ, कि कभी कोई दुर्घटना हो तो ब्लैक बॉक्स से मालूम पड़ता है कि वास्तव में सब इक्विपमेंट ठीक चला नहीं चला, बातचीत क्या हो रही थी पायलट की और ATC की, आपस में पायलट्स की बात क्या हो रही थी, अनाउंसमेंट क्या हुआ कैबिन में, वो ब्लैक बॉक्स सब रिकॉर्ड करता है। तो ये मेरी ब्लैक बुक रिकॉर्ड करती रहती है, जब जब व्यापारी लोग आते हैं मेरे पास कि क्या क्या समस्या है, तो ये रिकॉर्ड करती रहती है जो जो समस्याएं आप बताते हो मुझे। मैं भोपाल गया, जो जो आपने बताया यहाँ रिपोर्ट हो गया, मुंबई गया, जो जो आप लोगों ने बताया यहाँ रिकॉर्ड हो गया, रायपुर गया, कलकत्ते गया, जयपुर गया, नागपुर गया, और लगभग इसका अगर निचोड़ कुछ मैं बोल सकूं तो निचोड़ ये निकला मुझे कि वास्तव में पूरे व्यापारी समाज ने GST को बड़े दिल से अपनाया है,
समस्याएं छोटी छोटी रह गई हैं, कोई बड़ी विशाल समस्या अब रही नहीं है। और छोटी छोटी समस्या का अगर एक रास्ता निकाल दो, एक सुझाव समाधान निकाल दो, तो पूरे दिल से जान से लोग लग जाएंगे जीएसटी को और सफल बनाने में। और इसीलिए शनिवार की बैठक में जब सभी वित्त मंत्री और मैं बैठे थे, हमने सोचा एक बार पूरे दिल से व्यापारी समाज को, उद्योग, छोटे लघु उद्योग को पूरे दिल से समर्थन दे, पूरे दिल से उनकी बातें माने, और जैसा आपने कहा जो मांगा नहीं है वो भी दे, जिससे आगे आप भी दिल से, पूरे दिल से सिर्फ रजिस्टर नहीं होंगे, टैक्स भी पूरा भरेंगे। और आप बाजी, ये तो क्रिकेट मैच की तरह है या शायद वॉलीबॉल की तरह है, अब हमने वॉलीबॉल की बॉल आपकी तरफ फेंक दी है, अब आपके हाथ में है बॉल। और वॉलीबॉल में तो नहीं, लेकिन बास्केटबॉल में जरूर ये होता है कि आप ड्रबिंग करते रहते हो बॉल को, कहीं वैसा मत करना कि हमने तो बॉल आपको दे दी, गेंद दे दी, आप बस कबड्डी 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 करते रहो और टैक्स बिलना पे करना भूल जाओ, ऐसा ना हो जाए मेरे ऊपर आ जाएगी पूरी बात प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पूरे खुले दिल से और मेरे साथ देश के 29 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने पूरे दिल से इस मीटिंग में आपकी लगभग सभी बातें, जो राजस्थान ने कहा, जो तेलंगाना से आया, जो तमिलनाडु के मंत्री ने कहा, जो केरल के मंत्री ने कहा, हमने हर एक चीज को समाधान करने की कोशिश की। आपने एक विषय उठाया अभी अभी और मुझे लगता है मेरा तो गला बैठ गया था, उस दिन बोल भी नहीं पा रहा था प्रेस के सामने, फिर भी काफी कुछ मैंने चेष्टा की सभी निर्णय बताऊं, पर स्वाभाविक है 9-10 घंटे चली हुई मीटिंग की सभी चीजें बोलना भी मुश्किल होता है। पर वो विषय जो आपने अभी उठाया कि भाई अगर हमने किसी से सामान खरीदा और वो व्यक्ति टैक्स ना भरे तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों आनी चाहिए, ये आपने आज विषय उठाया, इसका भी समाधान मैंने उस दिन मीटिंग में चर्चा की है और कानून डिपार्टमेंट को कहा है इसका भी रास्ता निकालो, और आईटी डिपार्टमेंट को कहा है इसका भी रास्ता निकालो। और जब ये सब चेंजेस होंगे, स्वाभाविक है ये ओवरनाइट कंप्यूटर में और सिस्टम में चेंज नहीं हो सकते, आप भी समझेंगे कि इतना विशाल जीएसटीएन नेटवर्क बदलने में 4-6 महीने लगेंगे, लेकिन रास्ता सही है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने उनको कहा ऐसा कर दो, आखिर अगर मैं प्रवीण जी से कुछ सामान खरीदूं, मेरे मित्र हैं इसलिए बोल सकता हूं उनका नाम, तो मुझे विश्वास है कि ये टैक्स भर देंगे, तो मैं नॉर्मल कोर्स में बिजनेस करूंगा, लेकिन इनको तो मैं कभी पहले मिला ही नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कौन है कहां है, और ये समस्या मेरे समक्ष छत्तीसगढ़ में आई थी रायपुर में, और लोहे के कुछ व्यापारी कहने लगे कि भाई हमने सामान खरीद, आप थे इन्होंने मुझे कहा हमने सामान किधर से बाहर से खरीदा, मैं प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, और अब वो व्यक्ति भाग गया है तो उसकी टैक्स की लायबिलिटी मेरे गले आ रही है। मैंने तो डांट फटकार दिया था उनको वहां पे कि आपने कोई जरूर कोई ब्रीफकेस कंपनी से सामान खरीदा होगा, और ब्रीफकेस कंपनी क्या है वो तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जानता है, मुझे ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भी समाधान मैंने निकाला है कि कभी कोई हमें से किसी के झांसे में ना आ जाए, कब फंस ना जाए। मैंने विभाग को कहा कि इसका रास्ता ऐसा निकालो कि अगर ये आए, इनका सामान मुझे अच्छा लगा, मैं ईमानदार व्यापारी हूं, मैं कोई बिल विल नहीं खरीद रहा हूं, मैं वास्तव में सामान खरीद रहा हूं, तो मैं इनको बोल सकता हूं भाई तुम्हारा जीएसटीएन नंबर दे दो, जो आपके सामान का दाम है वो तो मैं भर दूंगा, वो आप ले लो, और जो आपका जीएसटीएन की लायबिलिटी है आपके नंबर से मैं भर के आपको चालान दे देता हूं, ठीक है प्रवीण जी, इसके बाद तो कोई शिकायत नहीं हो सकती। अगर उसके बाद भी आप किसी से सामान खरीदते हो
और वो टैक्स नहीं भरता है, फिर तो वो आपकी बेवकूफी है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आ सकती है। या बेवकूफी है या थोड़ा बहुत तो व्यापार से जगत से जुड़े रहने का 30 साल का लाभ होना चाहिए ना मंत्री बनने के बाद। और कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? अगर आप कोई अनजान आदमी से लेते हो तो भाई टैक्स भी आप ही भर दो, उसको क्यों पैसा देते हो? और अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो फिर उसका भुगतान भी आप ही भरो। फेयर कमेंट? चलिए, तो मेरे विभाग को मैंने आदेश दे दिया, इसका रास्ता निकालेंगे और सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि कोई अनजान आदमी से आप खरीदो तो आप टैक्स भी खुद ही भर दो भैया, तो आपको लायबिलिटी नहीं आएगी कभी। इसको एक एल्विन टॉफलर की किताब थी, फ्यूचर शॉक, आपके ऊपर कोई फ्यूचर शॉक नहीं आएगा कि किसी और ने आपको सामान बेच दिया और टैक्स नहीं भरा। लेकिन आपने 3 करोड़ करदाता बनाने की बात करी, ऑफकोर्स ये भी कहा कि टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो GST हो, जितना ज़्यादा हम उसको ईमानदार व्यवस्था से जोड़ेंगे, और उसके लिए मैं सरलता करने को तैयार हूँ। आपने देखा इस वर्ष इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी और अरुण जेटली जी के निर्देश पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 99.5% इनकम टैक्स के रिफंड बिना कोई स्क्रूटनी के आपके खाते में सीधा डाल दिया। और अगर आप में से किसके पास इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला तो तुरंत अपने डिपार्टमेंट में जाके पता कर लो, क्योंकि 70,000 करोड़, ऐतिहासिक 70,000 करोड़ रुपए जून तक इनकम टैक्स ने रिफंड आपके पास भेज दिए, बिना किसी को दफ्तर जाए, बिना आपको कुछ जूते घिसाए। हाँ, जूतों पे भी अभी बढ़ा दिया है, 500 रुपए से 1,000 रुपए कर दिया है 5% टैक्स। तो ये तो अन्याय हो गया आपको, हम जूते भी नहीं घिसाते और टैक्स भी कम कर देते हैं। पर बिना मांगे आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके खाते में गया है, किसके खाते डिटेल सीखनी है तो आपको चेक मिला, मुझे भी मिल गया मेरा रिफंड का। इसी प्रकार से इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इस सब ने आपने देखा होगा हमने लिटिगेशन की सीमाएं बढ़ा दी हैं। अब ट्राइब्यूनल में वही केस जाएगा, पहले 10 लाख पे जाता था, 20 लाख कर दिया। हाई कोर्ट में 20 लाख पे जाता था, उसको 50 लाख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख के ऊपर केस जाते थे, उसको 1 करोड़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी चलते हुए इनकम टैक्स के 54% केस में विड्रॉ करने वाला हूं स्वयं, आपको भी नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, हम विड्रॉ करेंगे। ऐसे 42% इनकम टैक्स के जो आजकल लिटिगेशन चल रही है, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मिला के, वो सरकार स्वयं से विड्रॉ करने जा रही है। और जितना जितना आप लोग के लिए सरलता हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं केस होना ही नहीं चाहिए, कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू ईमानदार व्यवस्था में और सुधरेगा, तो मैं समझता हूं और अधिक रेट्स को कम करने में हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारे हाथ मजबूत होंगे। आखिर जब मीडिया ने कहा कि इतना रेवेन्यू लॉस होगा, मैंने कहा 1 रुपए का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, मेरे व्यापारी भाई, मेरे उद्योग की जगत के लोग और खुले दिल से अपना व्यापार करेंगे, डिमांड बढ़ेगी इन सब वस्तुओं की, बढ़ते हुए डिमांड में टैक्स की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, ईमानदार व्यवस्था में टैक्स की रेवेन्यू बढ़ेगी। और इसीलिए जब टेक्सटाइल के क्षेत्र की बात आई, और ये बड़ा पेचीदा मामला है, 1 साल से पूरे कपड़ा बाजार में अस्वस्थता है इसके लिए, और 1 साल तो अब उस GST आने के पहले से पूरा कपड़ा बाजार अस्वस्थ था, अब 27 तारीख के बाद जो पुराना हो चुका उसको तो मैं रिट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं कर सकता हूं, 27 तक के पुराने में ITC रिफंड देने में मैं भी असहाय हूं, क्योंकि ये पुराने
रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करना तो मुश्किल है, तो उसको पुराने मामले को छोड़ते हुए, और यही ट्रेड ने यही कहा था मुझे, सब पुराना छोड़ दो, आगे के लिए हमको ITC रिफंड मिल जाए टेक्सटाइल में, खास तौर पे छोटे लघु उद्योग को उसका नुकसान हो रहा था, जो कॉम्पोजिट इंटीग्रेटेड मिल थी वो तो पूरा ITC का लाभ ले लेती थी, लेकिन छोटे व्यापारी के पास कुछ ITC पड़ा रह जाता था जो रिफंड के रूप में नहीं मिलता था। तो 27 तारीख से जब नई नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, आप कपड़े व्यापारियों को भी पूर्ण रूप से उनका ITC रिफंड जो फाइबर पे करते हैं वो पूरा उनको ITC रिफंड चेक से मिल जाएगा। ऐसे अभी तक कोई कपड़ा बाजार वाले जो रोज फोन किया करते थे शनिवार तक, शनिवार से आज तक मुझे एक भी फोन नहीं आया, धन्यवाद का तो छोड़ो, एक्नॉलेज भी करने के लिए कैसा हो गया। कभी कभी तो लगता है कि कुछ ज्यादा दे दो तो लाभ दिखता नहीं है लोगों को, थोड़ा दुख होता है मुझे भी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने खुले दिल से मुझे आदेश दिया, अरुण जेटली जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि चलो एक बार पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग को खुश करो, और हमें विश्वास है कि टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, घटेगा नहीं आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से, और आप कोई कारण नहीं रहा, उल्टे अब तो टेक्सटाइल के छोटे व्यापारी को लाभ है कि वो सेल बिल काट के अपना व्यापार करें, ईमानदार व्यवस्था में व्यापार करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई अफसरशाही का तकलीफ नहीं, कोई लफड़ा प्रॉब्लम नहीं कि कोई आके तंग करेगा, बार बार रिकॉर्ड चेक करेगा, कोई ऑडिट में कुछ चीज निकल आएगी, कुछ नहीं, पूरे खुले दिल से 5% चार्ज करके अपना सामान बेचो, फैब्रिक को बेचो, फाइबर पे अगर ज्यादा 12% होने के कारण कुछ रह जाते हैं तो उल्टा हमको वो भी रिफंड मिल जाएगा, तो उल्टे लाभ में रहेंगे, रिकॉर्ड पे ईमानदार व्यवस्था से जुड़ने से आज हमें लाभ होगा। तो मुझे लगता है कि और कई सारी, मतलब 88 आइटम पे तो रेट कम किया है, बाकी कई चीजें क्लैरिफाई की हैं, तो 100 से अधिक आइटम पे सुविधा होगी, सरलता होगी, रेट्स भी कम होंगे, डिस्प्यूट भी कम होंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जैसे जैसे ये सरलता का लाभ, ये आनंद हमारे सब उद्योग जगत के लोगों को मिलेगा तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा। आखिर मैंने 1.5 करोड़ को 5 करोड़ क्यों किया, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूं। समझो 1.5 करोड़ की लिमिट रहती और व्यापारी सब 1.5 करोड़ तक पहुंचने के बाद फिर चिंता में होते कि भाई अब वापस बढ़ जाएगा, फिर मंथली रिटर्न होगा, तो एक हाथ खींच लेते थोड़ा, या व्यापार कम करते, वैसे वो तो कोई करता नहीं, पर मेरे रिकॉर्ड में तो 1.5 करोड़ पे अटक जाते सुई। मैं चाहता हूं कि सबका व्यापार बढ़े और तेज गति से बढ़े, और इस दिवाली में सब लोग और तेज गति से अपने व्यापार को बढ़ा के बड़ा करें, और बहुत खुले दिल से अपने अपने उद्योग को, अपने अपने दुकान को बड़ा बनाने में लग जाए। और ये मेरा तो खुद का स्वयं का विश्वास है कि अगर इसमें रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है और अच्छी तरीके से ये 3 करोड़ व्यापारी जुड़ जाते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, लोग 1.5 करोड़ पार करके 5 करोड़ की तरफ जाते हैं, तो हम 5 करोड़ की सीमा भी और बढ़ा देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर व्यापार सरल हो, बढ़े, आपको भी मजा आए, आनंद आए ईमानदार व्यापार करने में, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे हम और टैक्स के रेट घटाने की हमारे में ताकत आएगी, और इनकम टैक्स हो,
किसी भी प्रकार का कंपनीज लॉ हो, सब में हमारी इच्छा है कि व्यवस्थाओं को सरल बनाया जाए और शुरुआत यहां से हो कि साधारणता हर एक व्यक्ति ईमानदार है और उस ईमानदार की कदर करते हुए कानून बने। ये एक्सेप्शंस को सामने रखते हुए सब कानून इतने कठोर नहीं हो जाए कि ईमानदार आदमी भी विवश हो जाए गलत रास्ते पे जाने के लिए। और इस भावना से, इसके इस समझ से और इसको विश्वास करते हुए शनिवार की मीटिंग में इतने सारे अहम फैसले लिए गए। मुझे पता नहीं अभी तक सबको ध्यान में आया भी है कि नहीं, कितने सारी चीज़ों में बदलाव लाया गया है। डिजिटल के ऊपर भी 2000 रुपये रुपए कार्ड और UPI से ट्रांजैक्शन तो फ्री है ही, पर हम उसमें भी कुछ प्रोत्साहन देने की एक स्कीम GST काउंसिल के समक्ष लेके गए थे, जिसपे हमारी जो सब कमिटी है वो विचार करके 4 तारीख को, और आप सब ने पता नहीं नोट किया कि नहीं और आपको कितना आनंद हुआ, 4 तारीख को पहली बार, और मैं तो समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार, प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पे और सभी वित्त मंत्रियों की सहमति से एक विशेष सत्र। GST का तो पहला ही है, पर मुझे याद नहीं है आज के पहले कभी भी सिर्फ लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, MSMEs के लिए कोई भी टैक्स के बारे में, कोई भी टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, एक स्पेशल मीटिंग जिसमें देश भर के अधिकारी, देश भर के वित्त मंत्री सब आएंगे, सिर्फ और सिर्फ MSME की समस्याओं को सुलझाने के लिए, समझने के लिए और चर्चा करने के लिए। आपको याद हो अगर प्रवीण जी, तो पता नहीं मुझे तो ऐसी कोई, आपकी एसोसिएशन की मीटिंग वगैरह में हम सब आए होंगे, पर 29 राज्य के मंत्री, उनके सबके अधिकारी, 7 यूनियन टेरिटरी के अधिकारी और केंद्र के पूरे अधिकारी मेरे साथ, हम सब बैठ के पूरा समय सिर्फ MSME के ऊपर चर्चा करेंगे और आगे का रास्ता नापेंगे कि कैसे आपके जीवन में और सुधार हो सके, आपके व्यापार में, आपके उद्योग में और सुधार हो सके, एक सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन के साथ कि जो आज रीढ़ की हड्डी बनी हुई MSME सेक्टर, भारत की अर्थव्यवस्था, उसको कैसे और मजबूत बनाया जाए। और वास्तव में हम सबके लिए सौभाग्य है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 23 जुलाई का दिन चुना आज की इस बैठक को रखने के लिए। पार्लियामेंट चल रहा है, GST काउंसिल अभी अभी मिलके चुकी है, इतने निर्णायक फैसले हुए हैं, लेकिन फिर भी CIT ने जब 23 तारीख चुन के मुझे और मेरे ऑफिस को बताया, तो मुझे लगता है पलक पर भी मैंने सोचा नहीं, तुरंत हाँ किया, क्योंकि आज ये बात सच है कि मैं अपने भाई बहनों के साथ हूँ, अपने पूरे बिरादरी के साथ यहाँ पे हूँ, उद्योग और व्यापार की बिरादरी के साथ हूँ, लेकिन आज जन्म दिवस है 2 महापुरुषों का, बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद जी। बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र से आते हैं और उनकी प्रेरणा से महात्मा गांधी जी को जो बल मिला था, जो शक्ति मिली थी, उनकी प्रेरणा से जो महात्मा गांधी जी ने देश भर में आंदोलन चलाया भारत की आजादी के लिए, और उस आजादी के लिए जो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना खून दिया, अपनी जान दांव पे लगा दी, वैसे ही आप सब ने भामाशाह के रूप में जो कड़ी मेहनत से और जो सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद देके GST को सफल किया है,
मैं समझता हूं जैसे हम उनकी लड़ाई और उनकी जीवन गाथा को याद करते हैं भारत की आजादी दिलाने में, भारत को राजनीतिक रूप से आजादी दिलाने में, वैसे ही आप सब ने भारत को आर्थिक रूप से जीएसटी को सफल बनाने से आजादी दिलाई है। मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयासों से, आपके सहयोग से और आपके ईमानदार मेहनत से जो आज जीएसटी देश भर में इतनी सफल हुई है, मुझे पूरा विश्वास है 21 तारीख के फैसलों के बाद अब और चार चांद लगेंगे जीएसटी को और आप सब भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने की जो आज अर्थव्यवस्था का जो सर्टिफिकेट मिला है, जो आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, वैसे ही आप सबके प्रयासों से हम फिर एक बार भारत को वो सुनहरी चिड़िया बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे जो वास्तव में भारत का सही स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद।